नहीं दूंगा, 2 ही मिनट का समय लूंगा। कोशिश करता हूं मेरे नौजवान भाइयों को कोई ऐसी बात बताऊं आप लोगों के बीच में कहे, जिसे सुनकर आप लोगों के अंदर भी जोश आए। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा राजस्थान की इस धरती का, जिसने आज तक मुझे इतना प्यार प्रेम दिया। कई भाई पूछते भी हैं कि अरस छिकारा पैदा तो हरियाणा में हुए, आपको राजस्थान से इतना प्यार किस लिए मिल रहा है? आज आप लोगों को पहले तो मैं बता दूं, राजस्थान में गुब्बा मेड़ी नाम की एक जगह है, उसके पास छोटा सा गांव है ददरेवा। हम उसी गांव से, ददरेवा गांव से हरियाणा के अंदर गए हैं। मेरे जो पूर्वज थे वो ददरेवा के थे, इसीलिए राजस्थान वाले भाइयों को आज भी अपना बड़ा भाई मानता हूं, अपना बड़ा घर मानता हूं। और जितने गौ रक्षक साथी मेरे भाई यहां पे इकट्ठे हो रहे हैं, सबके नाम तो नहीं गिनवाना चाहता मैं, ना ही गिनवा सकता। आप लोग वो इंसान हो जिसके अंदर श्री कृष्ण भगवान जी का अंश है। अपने आप के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाना। अब गौर से मेरी बात को सुनना, हमारी गौ माताओं की सामने बैठी मेरी बहन बेटियां, हमारी बहन बेटियों की क्या हालत थी सोच भी नहीं सकते। एक बारी वही दौर वही समय आप लोगों को याद करवाना चाहता हूं, जिस वक्त हम गुलाम थे, हमारे ऊपर गोरे लोग अत्याचार करते थे, उस समय हमारी बहन बेटियों का, हमारी गौ माताओं का क्या हाल था, क्या आप लोगों को पता है? जब भरे गांव में कोई किसान अगर लगान देने से मना कर देता, उसके साथ अंग्रेज क्या करते थे, सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सिर्फ 2 मिनट की बातें आप लोगों के सामने बताता हूं, वही गुलामी का समाप लोगों को याद करवाता हूं। एक दौर था 1947 से पहले का, इसकी थोड़ी को कम कर दो ना, मेरी आवाज मन नहीं सुन, उसमें और ज्यादा सुनेगी, इसीलिए तो दूर से बोल रहे हो, थोड़ी कम कर दो। एक दौर था 1947 से पहले का, गुलामी का दौर, जब किसी किसान के घर में अगर 100 क्विंटल अनाज होता था ना, किसान सिर्फ 10 क्विंटल अनाज रख सकता था, बाकी 90 क्विंटल अंग्रेजों को कर देना पड़ता था। और अंग्रेज पता है जो कर के लिए मना कर देता, लगान के लिए मना कर देता, लगान फिल्म देखी होगी आप सबने आमिर खान की, वो उसी चीज से लेकर है। अगर कोई लगान के लिए मना कर देता, अंग्रेजों की फौज आती थी उसी गांव में, उस गांव को घेर लेती थी। सभी को पता है अगर हिंदुओं को किसी से प्यार है ना, तो अपनी बहन बेटियों से और अपनी गौ माता से। अंग्रेज आते आकर हमारे गांव को घेर लेते, उस परिवार को चौराहे के बीच नग्न अवस्था में खड़ा करते जिसने लगान देने के लिए मना किया। और आप बातों को, एक एक बात को ध्यान से सुनना है, समझना है। सबसे पहले हमारी बहन बेटियों को वो हत्यारे निर्वस्त्र करते थे। निर्वस्त्र करने के बाद जैसे पलाश होता ना पलाश, ऐसा एक जमूर होता है जिससे हमारी बहन बेटियों के अंगों को तरोड़ते मरोड़ते थे। जब तक तरोड़ते मरोड़ते रहते थे, जब तक वो बेहोश होकर जमीन पर ना गिर जाए, और पूरा परिवार, पिताजी, भाई, काका, ताऊ उस दृश्य को बैठ के देखते थे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी अपनी बेटी को बचा ले। और फिर वे बारी बारी हमारी उस तड़पती हुई बहन के साथ जो बेहोश होकर जमीन पर गिरी है बलात्कार करते थे। बलात्कार करने के बाद उसको मौत के घाट उतारते थे। फिर उसके पिता
उसके भाई को नगन अवस्था में करके पूरे गांव का काला मुंह करके चक्कर लगा के 100 कोड़े मारते थे। हालत ऐसी होती थी गरीबी में 10 से 5 कोड़े में इंसान बेहोश हो जाता था। जब तक 100 कोड़े पूरे होते थे ना, उस किसान की मृत्यु हो जाती थी। हमारे सामने हमारी गौ माता को, सबको पता है हम अपनी गौ माता को माता मानते हैं, माता का दर्जा दिया है। इसकी गर्दन पर आरा रखकर बीच चौराहे में काटकर इसको पका के हमारे सामने दिखा के खाते थे, हमारे को दिखा के खाते थे। ऐसी भयानक क्रूरता लोगों को डराने के लिए इस्तेमाल करते थे वो लोग। एक किताब पढ़ी थी मैंने, अंग्रेजों का एक अफसर था जिसका नाम था कर्नल नील। कर्नल नील ने अपनी पर्सनल डायरी में लिखा है, मेरी जहां जहां ड्यूटी रही मैंने हर रोज हर वक्त हिंदुओं की बहन बेटी के साथ बलात्कार किया। उसकी ड्यूटी वाराणसी थी, मथुरा थी, आगरा थी, दिल्ली थी। अपना ये जो एरिया ना, इस एरिया में भी वो इंसान रह के गया। जहां भी वो गया उसने जो भी सुंदर बहन बेटी दिखाई दी उसी का बलात्कार किया। ये खुद उसने अपनी पर्सनल डायरी में लिखा है। फिर अंग्रेज एक नया रूल लेकर आए आपकी गौ माता और आपकी बहन बेटियों के लिए, क्योंकि अगर कोई सिफारिश या शिकायत करने के लिए जाता तो अंग्रेजों के ही अफसर थे, उन्हीं का राजपाट था। वे नया कानून लेके आए, जिसके साथ बलात्कार हुआ है वो बहन बेटी कोर्ट में आके साबित करके दिखाए। किसी में हिम्मत नहीं थी, क्या कोई बहन बेटी ये साबित करके दिखा सकती मेरे साथ बलात्कार हुआ। 100 में से मुश्किल 4 या 5 आदमियों पर केस दर्ज होता था। आज भी वही कानून हिंदुस्तान ढो रहा है। हमारी बहन बेटियां बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए थे कि सुरक्षित हैं। सुरक्षित कहां है बोर्ड बोर्डों में? हर रोज प्रतिदिन कितने बलात्कार होते हैं। हमारी गौ माता इसके लिए कानून लेकर आई, इसके लिए कानून बनाया। उनके लिए यह है, पशु थी, पशु के लिए कानून बनाया, पशु पर अत्याचार करना गैर कानून है। अपना कानून स्वयं तोड़ते थे, ये कहते थे कोई शिकायत करने के लिए तो आओ, कोई अपनी गौ माता को बचाने के लिए तो आओ। ऐसे तौर से भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद जैसे उन महावीरों ने 7,32,000 इंसान, 7,32,000 वीर 1947 तक शहीद हुए अंग्रेजों के साथ लड़ते लड़ते। जब जाकर हमें आजादी मिली है, आज मुझे बड़े दुर्भाग्य और शर्म के साथ आप लोगों को बताना पड़ रहा है, आपके नजदीक यही मेवात है, जैसे आलू बैंगन की सब्जी बिकती है ना, गाय का मांस ऐसे कटा हुआ आलू बैंगन की सब्जी की तरह बिकता है अपनी। जैसे हमारी बहन बेटियों का उस वक्त बलात्कार होता था, आज भी हमारी बहन बेटियों के साथ हर घंटे में कोई ना कोई बलात्कार की घटना होती है। और मेरे जवान साथी, मेरे जवान भाई नारे लगाते हैं, जोश में चिल्लाते हैं। मैं आप लोगों को एक बात और भी बता देता हूं, मेरी जिंदगी बहुत कम है, मुझे इस बात का पता है मेरी जिंदगी किस लिए कम है। ना मैं बीजेपी का हूं, ना मैं कांग्रेस का हूं, ना किसी पार्टी से मेरे ताल्लुकात है। मैं आप लोगों के सामने वे बातें बताता हूं जो सच्चाई होती हैं। मैं आप लोगों के सामने वे बातें करना चाहता हूं, अगर आप लोग जागरूक हो गए, आप लोग अपने हक के लिए लड़ना सीख गए, हमें किसी कानून, किसी सरकार की जरूरत नहीं है। और जो इंसान सच्चाई की बातें करता है ना, उसको पक्ष या विपक्ष कोई ना कोई जरूर मरवा देता है। आज तक कापी किताबें उठा के देख लेना, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद शहीद का दर्जा नहीं, आतंकवादी लिखा जाता उनके नाम के पीछे। सुभाष चंद्र बोस जी दूसरे देश से सेना बना के ले आए, इतना बड़ा काम किया, इतना बड़ा कर्म किया, आज तक कोई उनकी सच्चाई नहीं बता सकता उनकी मृत्यु कैसे हुई। मैं मेरे साथियों से, मेरी बहन बेटियों से, मेरे भाइयों से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, अपने काका ताऊ भाइयों को इग्नोर मत करो, अपनों के लिए हक की आवाज उठाओ,
आप लोग है ना मुर्दे मत बनो, मुर्दों का तो ये देश ही हो रखा है, इससे ज्यादा क्या मुर्दे बनोगे। रोड के ऊपर गाय मरी पड़ी हुई ना, एक्सीडेंट हो पास से निकल जाते हैं, इंसान मरा पड़ा हुआ ना उसके पास से निकल जाते हैं, वो आप ही का भाई है, आप ही का बेटा है, ये गौ माता है ना, गौ माता ये आप ही की माता है, आप ही से ये, अगर आप इनको खिलाओगे मैं गारंटी के साथ कहता हूं कभी घर में टोटा नहीं होगा, आजमा के देख लेना। जिस समय कृष्ण भगवान थे जमीन पे 9 करोड़ जनसंख्या थी और 125 करोड़ गौ माता थी, किसी के घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। आज हमारे भारत की 125 करोड़ जनसंख्या है, मुश्किल से 9 करोड़ गौ माताएं बची हुई है। ये जो भाई ये काम कर रहे हैं ना, इनका सहयोग करें, इनका साथ दें। उंगली उठाने वाली दुनिया होती है, काम करने वाले बहुत कम होते हैं। आप लोगों को मैं ये कहना चाह रहा हूं भाई, जितने भी गौ भक्त हैं कोशिश करिए, करते रहेंगे जब तक जीवित हैं। आप लोग जहां अपना पसीना बहाओगे टीम रक्षकार अपना खून बहा देगी वहीं पे। माफी चाहता हूं कोई शब्द गलत निकल गया हो मुंह से, क्योंकि आप ही के बीच का आपका ही बेटा हूं, आपका ही बच्चा हूं, मैं कोई अभिनेता नहीं हूं कि बड़े बोल सीखे हैं या बड़े बोल कहीं से पढ़ के आया हूं। एक अनपढ़ सा लड़का, अनपढ़ सा बेटा हूं। आप लोगों की संगत से दो बात जो सीखी है वे आप लोगों को बताई है, और फिर भी जाने अनजाने में कोई गलती होगी हो मैं माफी चाहता हूं। इतना प्यार प्रेम देने के लिए आप सभी साथियों का धन्यवाद, राम राम। और एक साथ नारा लगाएंगे गौ माता का जोश होना चाहिए, एक भी इंसान में जोश नहीं था आप लोगों में, तैयार हो गौ माता की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद, जय। हाँ जी, देखिए अड़ी साल जी।